गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे विल स्टडी क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज हम पढ़ेंगे इसमें सॉइल एज अ रिसोर्स। हमने अभी लैंड के बारे में पढ़ा था, लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ा इसके पहले। अब हम सॉइल एज अ लैंड के डिग्रेडेशन के कारण और उसको कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें हमने इससे पहले पढ़ी थी। अब देखेंगे हम सॉइल एज अ रिसोर्सेज। सॉइल आप बता सकते हैं लैंड और सॉइल में क्या डिफरेंस हो सकता है? तो लैंड इन जनरल पूरी अर्थ का जो लैंड मास होता है, उस चाहे वो आप प्लेट्यू में खड़े हो, चाहे आप माउंटेन पे खड़े हो, चाहे आप प्लेन एरियाज में खड़े हो, तो ये सारा जो चीज़ होता है इसे हम कहते हैं लैंड। और सॉइल क्या होता है? टोटल लैंड मास के अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग करेक्टरिस्टिक होती है, उस बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। और तो वो उसे कहते हैं हम सॉइल। इन जनरल हम कह सकते हैं कि लैंड जो है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और उसको एक नैरो डाउन किया जाए और क्लासीफाई किया जाए तो वो सॉइल होता है। सॉइल के कुछ क्या होता है, डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है, कुछ उसके स्पेशल फीचर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, एक सॉइल दूसरी सॉइल से अलग होती है। एक सॉइल अलग होती है, दूसरी सॉइल अलग होती है। कभी आपने ब्लैक सॉइल देखा होगा, कहीं लाल मिट्टी देखी होगी, है ना, कहीं पीली मिट्टी देखी होगी। तो हर सॉइल क्या होती है, अलग होती है। क्यों? उसके डिस्टिंक्ट फीचर के कारण। सॉइल रिसोर्सेस क्यों है, कैसे है, सॉइल एज अ रिसोर्स कैसे है और क्यों है? तो सॉइल क्या है, सॉइल हमारा क्या होता है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर? सबसे पहले यही समझिए, सॉइल इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब रिन्यूएबल है। ये सॉइल अपने आप को रिन्यू करता है। कैसे रिन्यू करता है सॉइल अपने आप को? देखिएगा, जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, जो वाटर बॉडीज होते हैं, रिवर्स होती हैं, वो अपने साथ क्या करते हैं, बहुत सारे जो लैंड मासेस पर रिवर जो अपने आप को लैंड मासेस पे स्ट्रेच कर लेती है ना, रिवर बेड को छोड़कर वो लैंड मासेस पे स्ट्रेच कर जाती है, जमीन पर घुस जाती है पानी, रिवर। तो उस समय क्या होता है, वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लाती है, रिवर अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स वगैरह लेकर आती है, और उन सेडिमेंट्स को हम और क्या करती है, उन सेडिमेंट्स को क्या है, लैंड पे क्या करती है, वो डिपॉजिट करते जाती है। तो इसी तरीके से क्या होता है, सॉइल रिन्यूएबल हो जाता है, ठीक है। और सॉइल कैसे रिन्यूएबल होता है, फर्स्ट कारण तो ये हो गया। सेकंड कारण है वोल्केनिक इरप्शंस के कारण होता है। आपको पता है जब लावा बाहर आता है तो लावा क्या करता है, अर्थ सरफेस पर फ्लोट होता है, और जब वो कूल डाउन होता है तब वो भी क्या एक सॉइल के रूप में बन जाता है। तो इस तरीके से भी सॉइल क्या है, अपने आप को रिन्यू करती है। तो दैट इज़ अ सॉइल, इसलिए बोला जाता है सॉइल इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। क्लियर? इट इज़ द मीडियम ऑफ द प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग। और देखिए, ये जो प्लांट जो सॉइल है इस पे प्लांट ग्रोथ होता है, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी पे है। जैसे हम भी वेजिटेशन वगैरह कहाँ लगा रहे हैं, उसी पे लगाते हैं। द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। इट टेक्स मिलियन ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर। बहुत टाइम लगता है उसको एक फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ डालने में। रिलीफ पेरेंट रॉक्स और बेड रॉक्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ टाइम्स एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। वेरियस फोर्सेज ऑफ द नेचुरल सच एज अ चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ द डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स। केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। सॉइल्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। देखिए अब क्या बता रहा है, हम वेजिटेशंस ग्रो करते हैं ओवर लैंड, हम लोग लैंड पे ग्रो करते हैं। ह्यूमन बींग्स भी यहीं पर, एज अ ह्यूमन बींग हम भी तो यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, और
एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वेजिटेशन और लाइफ फॉर्म जो होता है हर जगह का डिफरेंट होता है, फ्लोरा एंड फौना हर जगह का अलग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, आप डेजर्ट एरिया में रहते हैं, तो डेजर्ट एरिया का कैसा होगा, वहाँ की जो सॉइल क्वालिटी होगी वो कैसी होगी, एरिड होगी। एरिड मीन्स ऐसा एरिया मैंने पहले बताया था जहाँ पर लिटिल ऑल और कम बारिश होती है, तो वहाँ की जो सॉइल होगा वो कैसा होगा, रेतीला सॉइल होगा, एरिड सॉइल होगा, रेतीला सॉइल होगा। वहाँ का जो वेजिटेशन है क्या वो एवरग्रीन होगा, नहीं होगा एवरग्रीन, क्यों, क्यों वहाँ पे तो बारिश नहीं होती है, और जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर एवरग्रीन होगा, और जहाँ पर डेजर्ट है रेतीली ज़मीन में तो कुछ और वेजिटेशंस लगेंगे। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस बोलिए, ये सब के कारण क्या है जो है एरिया के कारण भी क्या है, सॉइल का जो वो फॉर्मेशन डिफरेंट होता है, हर जगह का अलग अलग होता है, ठीक है। और इसकी वजह से एक सॉइल सॉइल तो बस हम लोग को उसको एक सॉइल प्रोफाइल से समझते हैं कि किस तरीके से होता है। देखिए ये आपके बुक में दिया हुआ है, न्यू बुक में दिया है, पुरानी बुक में ये सॉइल प्रोफाइल नहीं दिया हुआ है, जिनके पास पुरानी बुक है उसमें नहीं मिलेगा ये, है ना। तो ये देखिए सॉइल प्रोफाइल दिया गया हो तो हम इस सॉइल प्रोफाइल से समझते हैं। सॉइल प्रोफाइल में सबसे जो निचला हिस्सा होता है, लास्ट लेयर, एकदम आखिरी का लेयर होता है, वो कौन सा होता है, पेरेंट रॉक कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पेरेंट रॉक बोलते हैं, बेड रॉक बोलते हैं, या अनवेदर्ड बोलते हैं। कैसे, इसमें क्या होता है, वेदर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। एक ये एक सॉइल लेयर को जो है ये बेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, इस पर वेदर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है, क्लियर। इसीलिए इसको बोला जाता है अनवेदर्ड अपेरेंट बेडरॉक, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, सबसे सबसे लास्ट लेयर, जो क्रस्ट लेयर का सबसे नीचे का पार्ट होता है। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ का सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया हमारा क्रस्ट हो गया, इसके बाद जो आया वो क्या हो गया, मैग्मा हो गया, मैग्मा जो कि लावा के रूप में बाहर आता है, और उसके बीच में होता है कोर, ये आपको पता है अर्थ का स्ट्रक्चर में। तो जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है वो होता है हमारा अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक्स, ठीक है। सेकंड उसका लेयर, उसके बाद का उसके उसके ऊपर का जो लेयर है वो है सबस्ट्रक्टम वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल। ये सबस्ट्रक्टम पेरेंट रॉक मटेरियल जो कभी कभी इसमें हम देखते हैं, जो कभी ना कभी क्या हुआ होगा, मिलियंस ऑफ द ईयर्स लगते हैं इनको बनने में, और इसमें क्या है, कभी ना कभी ये वेदर के इम्पैक्ट हुआ है इस पर, कभी ना कभी जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण, टेम्परेचर डाउन होने के कारण, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जो आए चीज़ें, तो इस पर इस लेयर पे क्या है वेदर का इम्पैक्ट पड़ा है ना, जो कभी ना कभी वेदर के कारण बना है, इसीलिए इसको बोला जाता है वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड मोस्ट लेयर है उसका सब सॉइल, इसको क्या बोलते हैं सब सॉइल, और उससे सबसे लेयर में होता है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल में क्या पाया जाता है, जो टॉप सॉइल है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग वेजिटेशन, जो इसमें ह्यूमस पाया जाता है जो कि वेजिटेशन ग्रो करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना। कहाँ पे, टॉप सॉइल पे मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग वेजिटेशन, क्लियर, टॉप सॉइल में होता है। और उसके बाद वाला सेकेंड लेयर है, जैसे कि आपको पता है कि हम घर बनाते हैं तो आप सबसे पहले जब एक सीमेंट लगा रहे हैं, ईंटा लगा रहे हैं, एक एक बाद एक लेयर चलती है ना, तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो आप घर में लास्ट में प्लास्टर करके उसको पॉलिश कर उसमें पेंट कर देते हैं, उसके बाद उसके नीचे जो रॉ मटेरियल्स वगैरह आप लगा रहे हैं, है ना, तो उस फॉर्म में वो जो रहता है उसे हम कहते हैं सब सॉइल वेदर्ड रॉक सैंड। ये इस पे भी वेदर का बहुत इम्पैक्ट रहता है, इस जो इसके नीचे जो लेयर है टॉप सॉइल के नीचे वाली लेयर, उसमें आपको रॉक्स मिलेंगी, सैंड मिलेंगे, क्ले मिलेगा, है ना, इस तरीके से चीज़ें वहाँ मिलेंगी आपको। तो ये आपको याद रखना है, सॉइल प्रोफाइल सबसे पहले लास्ट में है अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, उसके बाद आता है सबस्ट्रक्टम वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल, उसके बाद आता है सेकेंड मोस्ट सब सॉइल जिसमें क्या रहता है वेदर रॉक्स
क्ले एंड सिल्ट रहता है, और सबसे टॉप मोस्ट में होता है टॉप सॉइल, जिसमें क्या होता है ह्यूमस रहता है ना, जिसमें क्या रहता है ह्यूमस रहता है, जिससे सॉइल क्या है फर्टाइल होती है हमारी, है ना। देखिएगा कि आपके बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको बुक से दिखाती हूँ, फिर आप बोलोगे मैडम तो बुक का पढ़ा ही नहीं रही है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ह्यूमस है, यहाँ पे देखिए ये वाले, ये पूरा पैराग्राफ अभी मैंने आपको समझाया है ना। तो ह्यूमस है सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा आपको ह्यूमस, एच यू एम यू एस, ह्यूमस जो क्या है फर्टाइल रहता है, जिस जो हम किसके लिए रहता है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग वेजिटेशन, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, अब जो जो फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन के बनने में, जैसे कि उसका कलर, उसका थिकनेस आता है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका एज और उसके केमिकल उसमें कैसे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या है, द सॉइल ऑफ जो इंडिया का सॉइल है उसको अलग अलग रूप में क्लासीफाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम क्लासीफिकेशन ऑफ सॉइल में हम देखते हैं, इन द इंडिया हैज़ अ वेरी डेली फीचर्स इन लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, रिलीम्स एंड वेजिटेशन टाइप, दिस हैव द कंट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल। हर जगह का यहाँ फीचर्स, क्लाइमेटिक कंडीशन बोलिए, हर जगह अलग अलग है, तो उस हिसाब से यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉइल भी क्लासीफाइड हुआ है। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं ऑलिवेलियल सॉइल। ऑलिवेलियल सॉइल क्या है, ये बहुत ही मोस्ट बोल सकते हैं फर्टाइल सॉइल है, और ये मेजर प्रपोर्शन ऑफ जो लैंड मास है यहाँ पर रहता है ये, और यहाँ पर एग्रीकल्चर परफॉर्म होता है, ठीक है, खेती अच्छी होती है इसमें, मोस्ट फर्टाइल सॉइल है ये, कौन ऑलिवेलियल सॉइल। जैसे कि आप यूएसए की यूएसए कंट्री है, वहाँ पे एक आप बोल सकते हैं ग्रीनिश लैंड है, जो जिस जो कहाँ पे पेरिस रीजन पे है, उसी तरीके से हमारा जो यहाँ पे है ऑलिवेलियल सॉइल मिलता है यहाँ पे, तो ये हमारा बहुत ही मोस्ट फर्टाइल होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके बारे में, इसको मैं पढ़ देती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इज़ अ मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल, क्लियर। इनफैक्ट द इंटायर नदर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ, जो नदर्न प्लेन्स है हमारा वहाँ पे पूरा क्या है ऑलिवेलियल सॉइल मिलता है। माउंटेन की तरफ आपको नदर्न प्लेन से याद आ रहा होगा ना, जिधर उधर हिमालय है उधर अपना। दिस हैव बीन डिपॉजिटेड बाई थ्री इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, बाई द इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, क्लियर। दिस सॉइल्स आर ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान, ये सॉइल कहाँ पे है और राजस्थान और गुजरात थ्रू द नैरो कॉरिडोर, वहाँ पे भी राजस्थान और गुजरात में। ऑलिवेल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ द महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है, ये आपको याद करना होगा। कहाँ कहाँ मिलता है ऑलिवेल सॉइल, नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलता है, थ्री कहाँ से डिपॉजिटेड, किस रिवर से डिपॉजिट हुआ है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और आपको यहाँ राजस्थान और गुजरात के एक नैरो कॉरिडोर में भी है, और ऑलिवेल सॉइल हमको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी मिलता है, जो कि पर्टिकुलरली इन द डेल्टास के कारण, जैसे महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी रिवर्स के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, देखिए सुनिए, फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो दो टाइप से, कैसे, रोल ऑफ हिमालयन रिवर्स के कारण और एक रोल ऑफ डेल्टा, ठीक है, रोल ऑफ हिमालयन रिवर्स एंड रोल ऑफ डेल्टा के कारण फॉर्मेशन हो रहा है ऑलिवेलियल सॉइल का। तो जो रोल ऑफ हिमालय, मैं आपको सबसे हिमालयन रिवर्स समझाती हूँ आपको। जो हिमालयन रिवर्स है, आपको पता है कि ये इधर का हिमालयन से इधर अपन पास है ना, यही हमारा हिमालयन वाला एरिया है। जो क्या होता है, जो रिवर है हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, वो ग्राउंड पर आती है, ज़मीन पर आती है ना, नदी जो भी है, वो अपने साथ क्या, बहुत सारी सैंड, सिल्ट लाती है, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, सैंड सिल्ट लेकर आती है, जब चट्टान वो, और वो जब आते वक्त चट्टानों से टकराती है, और तो क्या है, नदियों में वो एक इरोशनल फॉर्म होता है, वहाँ पे पहाड़ों से पहाड़ों को तोड़ती हुई और अपने साथ चट्टानों को बहाकर लेके, छोटी चट्टान जो टूट टूट के उनके साथ बहकर निकलते हैं वो आते हैं,
और वो जो चट्टान को बहाकर लेकर आती है और वो ये जो चट्टान होते हैं जब नदी में बहकर नदी में के साथ में बहकर आते हैं चट्टान, तो छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो क्या हो जाते वो टूटते जाते हैं, टूटे टूटे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते जाते हैं और वही क्या बन जाता है लास्ट में ऑलिवियल सॉइल बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो रिवर हिमालयन से आती है तो उसके कारण से ये सॉइल फर्टाइल हो जाता है, अपने साथ जो भी चीज़ें लेकर आते हैं तो वो फर्टाइल हो जाती है ना। और रोल ऑफ डेल्टा, डेल्टा के कारण कैसा होता है? अच्छा, डेल्टा क्या होता है? सबसे पहले तो आप बहुत दिनों से इस चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं डेल्टा क्या होता है, तो रोल ऑफ डेल्टा कैसे है देखिएगा। जब एक रिवर ओरिजिनेट होती है, जब वह सी में मिलने वाली होती है, तो वो क्या करती है वो अपना सी में मर्ज होने से पहले प्लेन एरियाज में, जैसे कि आप यहाँ पर मान लीजिए, ये देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ पर ये अपन का है, यहाँ से कोई रिवर आ रही है, ठीक है, वो अब ये क्या करिए, यहाँ पर हमारा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ जाने से पहले वो क्या करिए, मैंने कहा सी में मिलने से पहले, अपना सी में मर्ज होने से पहले प्लेन एरिया आ जाता है। यहाँ पर क्या है, प्लेन एरियाज आ गया। प्लेन एरिया में क्या होता है, रिवर का फ्लो जो हो जाता है वो क्या होता है, धीरे स्लो हो जाता है, और स्लो होने के बाद क्या है, फिर वो अलग अलग ऐसे ब्रांचेस फॉर्म कर देती है। देखिएगा कैसे, फिर वो अलग अलग, जैसे यहाँ से रिवर आ रही है, प्लेन एरिया आया, प्लेन एरिया में क्या, रिवर का फ्लो धीरे हुआ और वो धीरे धीरे इस तरीके से ब्रांचेस फॉर्म कर लेती है, अलग अलग ब्रांचेस निकल जाते हैं उसके, ठीक है, तो और अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है रिवर अपने साथ। और ये जो रिवर है अपने साथ क्या लाती है, सैंड, सिल्ट, क्ले लेकर आती है, बहाकर लेकर आती है अपने साथ, और उसको क्या करती है, इस कोस्टल एरिया में उसको जमा करते जाती है ना, कोस्टल एरिया में जमा करते जाती है, तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर उसको डिपॉजिट करती है और ये एरिया क्या होता है, बहुत रिच हो जाता है। और यही जो डेल्टा आर ऑल्सो, इसीलिए बोला जाता है डेल्टा आर ऑल्सो द रिच इन ऑलिवल डिपॉजिट, यहाँ पर भी बहुत रिच ऑलिवल डिपॉजिट होता है, ठीक है, डेल्टा की वजह से। और अब हमने देखा उसका फॉर्मेशन, एक क्या है फॉर्मेशन, रोल ऑफ हिमालय के कारण और रोल ऑफ डेल्टा के कारण, ठीक है। अब आप देखिए डेल्टा बोलेंगे तो जो हमारे कहाँ पर आपको मिल रहा है अलिवेल सॉइल, आपको कहाँ मिलेगा, आपको देखिए आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में बोला, यहाँ इस एरिया में नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलेगा, है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स जो हमारे यहाँ पहाड़ का है ये यहाँ पर मिलेगा, और ये मिलेगा आपको ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में, ये जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल एरियाज है यहाँ पर मिलेगा ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में, ठीक है, यहाँ डेल्टा फॉर्म होता है और यहाँ से वो मिलता है। आप अपने क्लास नाइन्थ में भी पढ़ा है कि जो रिवर वेस्टर्न कोस्टल, ये जो वेस्टर्न घाट से यहाँ पे इस एरिया ईस्टर्न कोस्टल में एरिया में डेल्टा है और यहाँ पर अलिवेल सॉइल है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, वेस्टर्न में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो रिवर ड्रेन होती, आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा है ये सब ना, रिवर जो ड्रेन यहाँ जो रिवर जो ड्रेन करती है वो बहुत छोटी छोटी रिवर्स होती हैं और वो अपने साथ सैंड सिल्ट इतना कलेक्ट करके नहीं लाती हैं, और ये जो रिवर्स होती हैं ये क्या है, सीधे यहाँ डेल्टा फॉर्म नहीं करती और वो सीधे जाके सी में मिल जाती है ना, यहाँ पर सीधे अरेबियन सी में जाकर वो मिल जाती है, ये एस्चुरीज फाइंड करती है, क्या बनाती है, एस्चुरीज बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती हैं ये, एस्चुरीज बनाती हैं, एस्चुरीज मतलब जो सीधे डेल्टा ना बनाकर सीधे मिल जाए ओशंस में, उसे हम कहते हैं एस्चुरीज। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ डेल्टा फॉर्म नहीं होता, यहाँ पर एस्चुरीज फॉर्म होता है, वो डायरेक्ट मिल जाती है वहाँ पे, क्लियर। तो इट इज़ मोस्टली रॉक इन नेचर सो दे डू नॉट हैव मैनी सेडिमेंट्स टू कैरी, और यहाँ पर रॉकी रहता है, यहाँ सेडिमेंट्स कैरी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, एक हुआ हिमालयन रोल ऑफ हिमालयन रिवर के कारण और एक है रोल ऑफ डेल्टा के कारण, कहाँ कहाँ पर मिला ये आपको पता चल गया, अलिवियल सॉइल हमारा कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए इस मैप में बहुत अच्छे से बताया हुआ, ये देखिए अलिवियल सॉइल कहाँ कहाँ है, ये नदन प्लेन्स हमारा है, यहाँ ये नदन प्लेन्स है पूरा, यहाँ पे है
जैसे कि पंजाब, यूपी और आसाम वगैरह के, ये जो नदन पंजाब यूपी आ यूपी और आसाम का जो एरिया है यहाँ पे है ना, ये सब है। और ये ईस्टर्न घाट्स में हमारा दिख रहा है, और कुछ एरिया हमारा राजस्थान और गुजरात में भी है ये, ठीक है। तो ये अलुवियल सॉइल कहाँ प्रेजेंट है ये आपको मार्क करने के लिए मैप में पूछा जा सकता है, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसका हमने देखा लोकेशन कहाँ पे है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स और कोस्टल लाइन, ईस्टर्न कोस्टल लाइन में हमने देखा इसको। चलिए अब रीडिंग लगाते हैं थोड़ा सा। इसमें आपका क्या दिया हुआ है, ये मैंने पढ़ दिया था, कावेरी रिवर तक समझा दिया। अलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। इसमें बहुत सारे सैंड, सिल्ट और क्ले होते हैं। एज वी मूव इनलैंड टूवर्ड्स द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर सम व्हाट बिगर इन साइज इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली दैट इज नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल आर कोर्सेज। सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन predominant pedimont plains such as the Dors, Chaus and Terai। आप देखिए ये pedimont क्या होता है, यहाँ पे बता रहा है जिस तरीके से, देखिए pedimonts क्या होता है, ये हिमालय है, माउंटेन्स है ना, तो माउंटेन्स का जो फुटहिल्स होता है, ये माउंटेन्स का फुटहिल्स है ना, फुटहिल्स है। यहाँ पे जो मान लीजिए यहाँ से रिवर जो आ रहा है वो अपने साथ बहुत सारे सिल्ट और बहुत सारे क्लेज सैंड सब अपने साथ लेकर आ रहा है, और वो क्या करता है, ये यहाँ से बह कहलाता है और इसके फुटहिल्स में जमक हो जाता है। जो भी ये फर्टाइल्स चीज़ें अपने साथ, सैंड, सिल्ट, क्ले जो भी ला रहा है हिमा है ना, माउंटेन से आ रहा है रिवर, तो ये यहाँ पे फुटहिल्स में जमा होते जाता है। जो ये फुटहिल्स में जो जमा हो रहा जाता है इसी को कहते हैं पेडिमोंट प्लेन्स। इसी क्या बोलते हैं, पेडिमोंट प्लेन्स, ठीक है, जो माउंटेन की फुटहिल्स पर होता है, क्लियर। जो कि हमारे यहाँ पे कहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमको मिलता है आपका पंजाब में आपके चौस में, पंजाब को इसको क्लासिफी नाम दिया गया है, तो पंजाब में चौस, यूपी में इसको बुलाता है तराई, और आसाम में दोरस, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसी को क्लासिफाई किया, पेडिमोंट बोला है किसको, हिमालय के जो फुटहिल्स में जो फर्टाइल होता है, हिल्स पर फर्टाइल हो गया, क्योंकि वहाँ से जो रिवर आ रही है अपने सैंड, सिल्ट और क्ले लेकर आ रही है, उसकी वजह से ये एरिया क्या हो गया, फर्टाइल हो गया, तो उसको क्लासिफाई किया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन हुआ उसके किसे, दोर्स, चौस और तेराई इज द इन पेडिमोंट प्लेन्स, इसको पेडिमोंट प्लेन्स बोला जा रहा है, ठीक है। पेडिमोंट समझ में आ गया, जो माउंटेन्स के फुटहिल्स पर जो फर्टाइल होता है उसे हम पेडिमोंट्स कहते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ है ये, पंजाब में चौस, यूपी में तराई, आसाम में दोर्स, ठीक है। अब देखिए अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कॉम्पोनेंट्स, सॉइल आर ऑल्सो डिस्क्राइब्स ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए अब हमने इसको और किस बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया है, इसकी एज पर, कैसे, इसकी एज पे क्लासीफाई किया गया है। अकॉर्डिंग टू देयर एज ऑलिवल सॉइल्स कैन बी क्लासीफाइड एज ओल्ड ऑलिवल सॉइल और न्यू ऑलिवल सॉइल। जो ओल्ड ऑलिवल सॉइल होता है उसको भंगार बोलते हैं, और जो न्यू ऑलिवल सॉइल है उसको बोलते हैं खादर, ठीक है। खादर और भंगर याद रखना है, भंगर मीन्स ओल्ड और खादर मीन्स न्यू, ओके, ये याद रखना है। द भंगार सॉइल हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नोडुल्स देन द खादर, इट मेक्स द फाइन पार्टिकल्स एंड मोर फर्टाइल देन द भंगर। अब देखिए मैं इसको समझा, देखिए आप भी इसको समझिएगा कि एज के कारण कैसे हो रहा है, कि कभी कभी कैसे कि जो रिवर्स का जो कोर्स होता है वो चेंज होते रहता है, कि कभी मान लीजिए उनका कोर्स कैसा बह रही है, नदी जो बह रही है उसका डायरेक्शन जो कभी कुछ ऐसा बह जा रहा है,
कभी कुछ ऐसा डायरेक्शन हो जा रहा है, उसका जो कोर्स है बहने का तरीका है वो कभी कभी क्या होता है अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी डायरेक्शन उसके अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखिए एज के बेसिस पे कैसे क्लासिफाइड किया गया है इसको, जैसे कि ये रिवर बेल्ट है कोई, ठीक है, यहाँ से रिवर कोई निकल के जा रही है, जो रिवर के पास का ज़मीन है, बिल्कुल रिवर के पास की जो ज़मीन होती है, जो रिवर के पास की ज़मीन है उसको हम क्या बोलते हैं, खादर सॉइल, खादर। और जो ये एकदम जो उसके साथ में सटी हुई रिवर के रिवर बेल्ट के पास में जो बिल्कुल होता है वो होता है खादर, और रिवर बेल्ट के जो थोड़े दूर में जो होता है सॉइल उसे हम बोलते हैं भांगर, ठीक है। तो खादर और भांगर का डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछता है तो आपको सबसे पहले क्या बताना है, खादर इज़ अ न्यू सॉइल एंड भांगर इज़ अ ओल्ड ऑलिवल सॉइल, ठीक है। और जो एरिया नियर द रिवर बेड इज़ नोन एज खादर एंड एरिया नियर फार अवे फ्रॉम द रिवर बेड इज़ कॉल्ड भांगर, ठीक है। फारियर है, फार है तो भांगर है। और खादर इज़ मोर फर्टाइल, खादर जो होता है वो मोर फर्टाइल होता है, और भांगर जो भांगर एरिया है वो कैसा है, भांगर की ज़मीन जो होती है वो क्या होती है, कंकर होती है उसमें, उसमें जो खादर की जो ज़मीन है वो फाइन पार्टिकल्स के साथ होती है, और लेकिन वही भांगर में कैसा होता है, इसमें आप बोलिए नोड्यूल्स बोले मतलब कंकर, छोटे छोटे इसमें कंकर होते हैं, किसमें, भांगर में कंकर नोड्यूल्स देन द खादर, इट हैज़ ऑल्सो फाइन पार्टिकल्स, वही बताया कि जो खादर है उसमें जो फाइन पार्टिकल्स है इसके कारण क्या होते हैं, खादर बहुत ही फर्टाइल होते हैं। तो डिफरेंस लिखने के लिए आप तो आप लिख सकते हैं कि खादर इज़ अ न्यू ऑलिवल सॉइल्स एंड भांगर इज़ अ ओल्ड ऑलिवल सॉइल्स, एरिया नियर द रिवर बेड इज़ कॉल्ड खादर एंड एरिया फार अवे फ्रॉम द रिवर बेड इज़ नोन एज भांगर, एंड खादर इज़ मोर फर्टाइल बिकॉज इट हैज़ द फाइन पार्टिकल्स एंड एज कम्पेयर भांगर इज़ अ लेस फर्टाइल बोलिए या इज कंटेंट्स कंकर नोड्यूल्स, ठीक है। तो इसमें रहता है ये, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका खादर एंड भांगर एट द ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ एज इसको क्लासीफाई किया गया, क्लियर। ऑलिवल सॉइल एज होल आर वेरी फर्टाइल, पूरे एज अ होल हम उसको देखें तो ये बहुत फर्टाइल सॉइल है। मोस्टली दिस सॉइल्स कंटेन्स एडुकेट प्रोपोर्शंस ऑफ, इसमें क्या पाया जाता है, पोटाश है, फॉस्फोरिक एसिड है, लाइम है, विच आर आइडल फॉर द ग्रोथ ऑफ, जो जो बहुत आइडल है ग्रोथ के लिए, क्या ग्रोथ करने के लिए हमको चाहिए, शुगर केन, पैडी जैसे ज्वार बाजरा, वीट है ना, और पल्सेस बहुत आपकी जो दालें हैं, पैडी मतलब राइस हुआ ना, वीट पैडी राइस सीरियल, सीरियल्स मीन्स ज्वार बाजरा, पल्सेस दालें, ये सब के लिए बहुत अच्छी होती हैं ये सॉइल। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑफ द ऑलिवल सॉइल्स आर इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड, क्योंकि ये ऑलिवल सॉइल बहुत ही फर्टाइल होता है इसलिए यहाँ का जो एरिया है वो बहुत ही कल्टिवेशन के लिए यूज होता है और डेंसली पॉपुलेटेड होता है, ठीक है। सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर एल्कलाइन्स एंड कैन ऑल्सो बी प्रोडक्टिव आफ्टर द प्रॉपर ट्रीटमेंट, और कुछ एरियाज़ जो हैं वहाँ पे एल्कलाइन भी होते हैं, और लेकिन उसको क्या है उसको हमारी प्रॉपर प्रोडक्टिविटी कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर द उसको ट्रीटमेंट किया जाए तो वो क्या हो सकते हैं प्रॉपर इरीगेशन के लिए हम उसको यूज़ मत, एल्कलाइन मीन्स मैंने बताया था कि वो उसमें केमिकल्स वगैरह ज़्यादा डिपोजिट हो जाते हैं, है ना। तो ये था आपका अल्कलाइन, उसमें क्या केमिकल कंपोजिशन बढ़ने जाता है, तो यदि हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे देंगे तो वो भी जो सॉइल है वो भी फर्टिलाइज़र और इरिगेशन कर अच्छे ट्रीटमेंट करके तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं कल्टीवेशन के लिए। तो ये था एलिवल सॉइल के बारे में। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, मैप पॉइंटिंग में इसको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम ब्लैक सॉइल और बाकी दूसरे सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।